दिल्ली से ही अब यहाँ पे घूमने आए हो. एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर टू टेक एन इंस्टेंट डेट. कहीं जाना नहीं है हमको, यहीं पे कर सकते हैं. ठीक है, आप आ जाओ प्लीज़. आपको विसल आती है बजानी? ये वाली नहीं, नॉर्मल बजाना. अरे बजाओ ना, बट थोड़ी लाउड होनी चाहिए. वो हंसूंगी तो बजाऊंगी. नहीं नहीं, आप हंस के नहीं, नहीं इतने से. I'm an architect by profession, so तीन malls design करती हूँ. Malls? Yeah. अच्छा architect. Yeah, I'm an architect. Okay, great. कौन सा mall? कोई famous है, popular है? Ambience Mall Gurgaon. And? तो YouTube. Actually do that. मैं? Actually I'm a YouTuber. Oh. और उसके अलावा मैं fitness company है मेरी. तो वी प्रोवाइड ऑल ओवर दिल्ली एंड गुड़गांव फिटनेस सर्विसेज, फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस सर्विसेज. सेल्फ डिफेंस वो स्पेशली गर्ल्स, मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं गुड़गांव में, वहाँ पे हमारे सेल्फ डिफेंस के सेशंस चलते हैं. नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, दफा हो जाए यहाँ से. चल, डर लगता है क्या कुछ जानवरों से? कुछ कहेंगे नहीं, वो फ्रेंडली है. मेरा रोज का आना जाना है, मुझे जानते हैं वो. अच्छा नहीं, मुझे भी काटे हुए हैं. मेरा खुद का कुत्ता है, मैंने पाला हुआ, वो मुझे काट गया. भाई मेरा क्या गया, इंजेक्शन तो उसको लगे. मजाक कर रहा हूँ. अच्छा चलो, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताना उसके बारे में. और इंस्टेंट थोड़ी सी जल्दी देना आंसर, ठीक है? बिकॉज आई हैव. ठीक है. अच्छा, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, टैटूज या पियर्सिंग? पियर्सिंग. बीचेस या माउंटेन्स? बीचेस. अच्छा अच्छा, कभी कोई गई हो कितने बीचेस पे? सच्ची? ओके ग्रेट. चलो, व्हाट डू यू चूज इन अ गाय, सिक्स पैक्स या सिक्स कार्स? अच्छा, लॉन्ग ड्राइव के लिए व्हाट डू यू प्रेफर, बाइक्स या कार्स? बाइक्स. अच्छा, टी या कॉफी? Coffee. Kiss या hug? Hug. If you could be a man for one day, what would you do? मैं तो बहुत सारे dates पे जाऊंगी लड़कियों के साथ. एक दिन में? ये तो हमारे लिए नहीं possible. एक साथ मेरे को ना triple और चार लड़कियों को date करके देखना कैसा feel होता है. चार लड़कियों को date? और तुमको लगता है लड़कियां मानेंगी? कई बार मान जाती है ना. नहीं, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ. पकड़ा गया तो और पिटूंगा. पकड़े जाओगे तो? नहीं नहीं, लड़कियों को पसंद नहीं आता. लाइक मेरी एक फ्रेंड है और मुझे दिखता है वो मुझे इंटरेस्टेड है, बट व्हेन शी सॉ मी, हालांकि कमिटमेंट नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड है. हाँ, विद डिफरेंट गर्ल्स, विद लॉट ऑफ गर्ल्स, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है. तो उसको गुस्सा आता, जेलस आता उसके. वो बोलती नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स में, बट मुझे दिखता है कि शी अब वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब अवॉइड कर रही है मेरे को. रीज़न इसलिए क्योंकि यार ये 10 लड़कियों के साथ घूमता है, तो मैं क्यों उसको, एक तरह की जेलस ही है. हाँ, तो फिर तो चार लड़कियों को, तो तुम चार लड़कों को क्यों बात कर रही हो? मैं कह रही हूँ मैं ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, ऐसा ये नहीं कह रही कि मेरे को करना. अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो अगर आप लड़के बनते तो आप ज्यादा लड़कियों को डेट करना पसंद करते, प्रेफर करते? नहीं, मैं एक को करती हूँ, बट अभी तो बोलना चार. एक बार एक एक्सपीरियंस करने में क्या जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घूमना है. फिर अगर मैं लड़का होती ना, मैं रात रात भर गायब रहती. रात रात भर गायब रहती? तो लड़कियों में तो इंटरेस्ट होता ना आपका, कि चल एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी होता है ना. किसी भी लड़के का, किसी लड़की का भी, लड़की का भी होता है ना. चलो ये जस्टिफाई हो गया, लड़कियाँ भी ऐसी मेंटेलिटी, मतलब सोच रखती हैं, तो हम कुछ बुरा नहीं करते लड़के. अच्छा, फेवरेट एक्टर या मूवी? ऐसा लग रहा है ना कॉफी विद करण है. हाँ. है ना, ये कॉफी विद स्ट्रेंजर है. ये कंसेप्ट मेरे को वहीं से माइंड में आया. हाँ हाँ. अच्छा, क्या? जब भी मैट. और एक्टर? डेली सोप वाले पसंद ज्यादातर. अच्छा, चौधरी, पल्लवी पुरी. पता है हम लड़के, पता है हमारी भाषा में डेली सोप को क्या बोलते हैं? रांडी रोना. हाँ, तो ऐसे रोना धोना चलता है ना उसमें, तो हम ऐसे सोचते हैं. डिस्क्राइब वन ऑफ योर विश. विश या कोई ऐसी चीज़ जो मरने से पहले यार ये तो करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है, और कुछ होना हो ये होना है, या कोई फैंटेसी या कुछ भी ऐसा? वर्ल्ड टूर पे जाना है. वो तो सबको जाना है, पैसा नहीं है किसी पे. करोना चल रहा था अलग. कोई एक डिफरेंट सी विश? आई डोंट हैव एनी डिफरेंट विश. देन व्हाई आर यू अलाइव? नहीं नहीं, फिर भी जैसे एक होता है ना यार, विश लिस्ट होती है मेरी, तो पता है काफ़ी सारी है, ऑलमोस्ट 47 से ऊपर विशेज हैं. कि यार ये मेरे को, आई वॉन्ट टू एकम्प्लिश दैट बिफोर डाइंग. वेन एंड हाउ वॉज योर फर्स्ट किस? अभी नहीं तक नहीं किया. झूठी, पता है मैं बताता हूँ, ये इंस्टेंट डेट में ये चौथी पांचवी बार कर रहा हूँ, और सबने सेम. नहीं मैंने तो किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया. आई नेवर किस्ड. आई बिलोंग टू अ टिपिकल ब्राह्मण फैमिली एंड माय डैड इज लाइक अ हिटलर, तो आई नेवर किस्ड. आई नेवर इवन डेटेड. हां बताते हैं लेकिन वो भी करते हैं, बताते नहीं है. और मुझे एक्सपेक्टेड था. सीरियसली? सीरियसली, तभी तो इंस्टेंट. ये क्या हो रहा है? ये दिस इज इंस्टेंट डेट ना. हां, तो डेट डेट होती है, इंस्टेंट हो या लॉन्ग हो?
नहीं, बोल सकते हैं ऐसे किस करने कोई वो बुरी बात नहीं, जब तुम कह सकते हो मैं डेट कर सकती हूँ चार गाइस को, सो अच्छा चलो चलो छोड़, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने तो किया क्या। योर फेवरेट प्लेस यू एवर वांट टू विजिट, यू एवर विजिटेड? मालदीव्स, माय फेवरेट प्लेस इज मालदीव्स। मालदीव्स? यस। अच्छा अच्छा, कितना खर्चा हो गया वैसे गई थी तो? 140। अकेले गई थी? नहीं। कितने जने? भाई के साथ। भाई के साथ 140, दोनों को मिला के ना? हाँ। चलो मैं तो सिंगल होके जाऊंगा तो हाफ हो गया 140 लाइक नहीं वीडियोस नहीं बनाओगे? बनाऊंगा तो वहां पे पकड़ लूंगा किसी को, समझे ना, कॉस्ट कटिंग यहां पे। एनीथिंग एल्स, क्यों कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तुम्हारा जिसको मुझे जवाब देने में मजा आए? अच्छा, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, डेफिनेटली इतनी सारी, हाँ बट नहीं, एक्चुअली वो किसी रीज़न से नहीं है कि अभी नहीं अफोर्ड कर सकता मैं गर्लफ्रेंड, पैसों के मामले में नहीं यार, हर चीज़ वो एक सिचुएशन है मेरी या एक लाइफस्टाइल है मेरा या फिर एक काम है मेरा जिससे नहीं कर सकता, क्योंकि करके देखा हुआ है, रिलेशन रह चुके हैं और नहीं नहीं एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, और इनफैक्ट मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई, मेरा एक जो हैप्पी रहने का रेट होता है ना, मैं खुश रह रहा हूँ तो वो टेंशन दिमाग में ज़्यादा रहने लग गई, तो ये मैंने कंपेयर किया कि नहीं मेरी अभी मुझको ये रहना चाहिए, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि किसी को मैं, हाँ कमिट, ऐसा नहीं था लॉयल नहीं था या कुछ और, वो अच्छी नहीं थी या वो मेरे टाइप की नहीं थी, ऐसा नहीं था, बट कुछ इश्यूज हुए, कमिटमेंट इश्यूज नहीं, कुछ और इश्यूज थे, मतलब सिंपली नहीं नहीं नॉर्मली बस यही थे कि जैसे मैंने आपको एक तो शेयर किया कि मैं अगर 10 लड़कियों से बात कर रहा हूँ तो उसको इश्यूज है, ये वाले मेरा उस पर्पज से नहीं है, उनको मैंने बता के उनको उसको पता है ऑलरेडी कि यार देख सिंपली मेरा काम है ये, हाँ अभी मैंने तुमसे बात की, सपोज कोई बंदी देखे मेरी, मतलब जो मेरे क्लोज है थोड़ी, वो देखे तो वो बोलेगी तुमको, हाँ किसी लड़के का भी होता है ऑब्वियसली, हाँ होता है डेफिनेटली, सेम कहती देखा मैं बात करती हूँ, हाँ या राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, यार अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है प्लीज उसको दबाओ, ट्रस्ट मी पैसे नहीं लगेंगे, नहीं यकीन आ रहा मेरी बात को तो दबा के देख लो, और यार इस इंस्टेंट डेट वाली वीडियो के मैं और पार्ट्स बनाने वाला हूँ, तो मैं कॉन्वर्सेशन करते वक्त क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।